जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं, लेकिन अगर बात की जाए इन सभी की फीस की तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जहां एक ओर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेस अपनी फीस के लिए, अपनी कमाई के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं ये एक्ट्रेस भी कुछ कम नहीं है। बता दें आपको कि कुछ ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में जो कि एक्टर्स को भी पीछे छोड़ रही हैं। जी हाँ, अभिनेताओं को मात देती हुई नजर आ रही हैं ये एक्ट्रेस। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सामने आया है खबरों के मुताबिक कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं दीपिका पादुकोण, जो कि पहले नंबर पर हैं। बता दें आपको कि दीपिका आज के समय की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है। ऐसे में दीपिका की गिनती उन एक्ट्रेस में होती है जो कि साल के अंदर 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करती हैं। बता दें आपको कि दीपिका ने अपने फिल्मी सफ़र में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और हाल ही में उनकी फिल्म छपाक का ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया है। ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में दीपिका फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक और सुपरहिट फिल्म देने वाली हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपिका अपनी एक फिल्म के लिए 14 से 15 करोड़ रुपए लेती हैं। अब इस लिस्ट में नाम आता है कंगना रनौत का। जी हाँ, बॉलीवुड में कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं जल्द ही कंगना रनौत आपको जयललिता की बायोपिक थलाइवी में देखने को मिलने वाली हैं, जहां पर इस फिल्म के लिए कंगना रनौत ने लिए हैं पूरे 24 करोड़ रुपए, जो कि वाकई में सभी को हैरान कर देंगी। बता दें आपको खबरों के मुताबिक कि उन्हें तमिल और हिंदी भाषा के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स, मानना पड़ेगा कि कंगना रनौत भी इस लिस्ट में आती हैं। जहां एक और बॉलीवुड में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, तो वहीं एक और ऐसी फिल्म उनकी लिस्ट में शामिल होने जा रही है। अब बात करते हैं करीना कपूर खान की। डांस इंडिया डांस रियलिटी शो में बतौर जज नजर आ रही हैं करीना कपूर खान। वहीं दूसरी ओर अपनी अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज़ के लिए भी वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। बता दें आपको कि उनकी आने वाली फिल्में हैं तख्त, अंग्रेजी मीडियम और लाल सिंह चड्ढा। ऐसे में करीना अपनी फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं। करीना अपनी एक फिल्म के लिए 14 से 15 करोड़ रुपए ही चार्ज करती हैं। ऐसे में दीपिका और करीना एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। वेल फ्रेंड्स, ये थी वो तीन हसीनाएं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आती हैं। अब जाते जाते आपको हम एक और ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता देते हैं जो हैं कैटरीना कैफ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैटरीना कैफ भी कुछ कम नहीं है। कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के लिए ले रही हैं पूरे 12 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं कैटरीना कैफ। वहीं उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं कैटरीना कैफ। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए हम चलते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है बॉलीवुड की इन खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।